अभी वेट कर रहे हैं छत पे आकर के। आज हम लोगों का है डे टू हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे आज होने वाला त्रिउंड ट्रैक, तो हम ट्रैकिंग करने वाले हैं, देखते हैं कौन कौन जाएगा। तो बस ट्रैकिंग होगा शायद से 6 या 8 किलोमीटर का, तो जो भी रहता है जैसा रहता है आपको दिखाते हैं। ट्रैक पे चलते हैं और नज़ारा दिखाते हैं त्रिउंड ट्रैक का। आज डेट ऑफ जर्नी है 8 फरवरी, आज 8 फरवरी है। तो बस चलिए त्रिउंड ट्रैक पे मेरे साथ साथ और एंजॉय करते हैं। बस हो रहा है ट्रैकिंग का, श्रुति और मंच के साथ सभी लोग हैं रेडी ट्रैकिंग के लिए। तो बस हम लोग अब चलते हैं त्रिउंड ट्रैक पे। तो हेलो एवरीवन, आप स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो सभी लोग पीछे आप देख सकते हैं, सभी वेट कर रहे हैं। ट्रैकिंग अब शुरू ही होने वाला है हम लोगों का, यहाँ से त्रिउंड ट्रैक शुरू होगा। अभी तो दोपहर का 12 बज रहा है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम लोग त्रिउंड ऊपर टॉप पे, फिर वहाँ पे व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। तो पूरा हम लोग बस चलते हैं। एक किलोमीटर जो है वो पक्का रास्ता है, 6 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, तो दूसरा है ठीक है। थोड़ा हमें भी मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, बाकी टाइम का इशू है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब 15-15 मिनट के बाद आपको शॉप्स मिलेंगे ऑन द वे। फाइनली ट्रैकिंग शुरू हो चुका है, होटल से निकल चुके हैं हम लोग। तो बस सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, लाइन से देख सकते हैं सभी लोग आ रहे हैं। तो बस चलते हैं और त्रिउंड ट्रैक को कंप्लीट करते हैं। तो महादेव के नाम शुरू करते हैं, हर हर महादेव भोलेनाथ सबके साथ, सबको अच्छे से लेकर के जाए, अच्छे से वापस लेकर के आए सेफली। तो बस चलिए देख सकते हैं आप सामने, वहीं पे जाना हम लोग को टॉप पे। बस चलते हैं, इधर है विदिशा, इधर है श्रेया, अपने भाई ट्रैकिंग यहाँ पे गाइड है हमारे, ये जा रहे हैं लेकर के हम लोग। भैया कब तक पहुँचेंगे हम लोग? मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक, शाम तक 4:30 से पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, हम लोग के गाइड इनके पीछे ही रहना, हम लोग को इसके आगे नहीं जाना है, ये हम लोग को रास्ता दिखाएंगे, हम लोग इनके पीछे बस फॉलो करना है। तो मनीष भैया मेरे साथ ही, आप हिमाचल से ही हैं? हाँ जी जी, हिमाचल लोकल धर्मशाला। तो भैया हमारे गाइड हैं, इनके पीछे पीछे हम लोग को जाना है, ये हम लोग रास्ता बताएंगे ऊपर त्रिउंड ट्रैक का। भैया तो बहुत बार कर चुके होंगे, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर। आप बस गाइड देते रहिए, और वीडियो जरूर देखिएगा चैनल YouTube। चलिए बस भैया सब आगे 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 दिखाते हैं नजारा। बागसू जगह का नाम है, बागसू टेम्पल है यहाँ पे, इधर से हम लोग का रास्ता भी अंदर जाने का, इधर से चल रहा है हुआ है, काफ़ी सुंदर और प्यारा लग रहा है देखने में। सामने देख सकते सब नहा भी रहे हैं यहाँ पे, सही है। इधर वाटरफॉल भी है जाने का रास्ता, वाटरफॉल हिल कुंड सामने। इधर पीछे सभी लोग आ रहे हैं, इधर अमन है, उधर पीछे क्लासमेट सब और भी आ रहे हैं, बस हम लोग चल रहे हैं। इधर भैया बैठे हुए हैं, कैसे हैं भैया? सब बढ़िया, इसको भी लेके जाओ। एकदम एकदम ये आएंगे वीडियो में। तो काफी सही है ये नज़ारा देख सकते हैं आप भाई। तो ये है ऐसा कुछ व्यू इधर का। सबसे मेन थिंग कचरा इधर फैलाना नहीं है, इसीलिए ये जो फ्रूटी का स्पीकर अभी हम रखे हैं, सो पॉकेट में ही रखे थे, इसको हम सीधा डालेंगे डस्टबिन के अंदर, और सबको यही बोलना है डस्टबिन यूज़ करना है, इधर कचरा नहीं फैलाना है। बस ये देख सकते हैं आप नज़ारा। तो हम लोगों का ट्रैकिंग डिस्टेंस 7 किलोमीटर, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं इधर, ये रहा पूरा पहाड़ का व्यू, काफ़ी सही है भाई। चल रहे हैं बस हम लोग, चल रहे हैं एक मिनट, आप सभी मिल जाएगा पुती उन ट्रैक पे। यहाँ पर हम लोग स्टिक लेने वाले हैं, तो यहाँ पे सभी लोग अभी स्टिक लेंगे, क्योंकि चलने के लिए हेल्प चाहिए। ये मेरा स्टिक, क्योंकि आगे रास्ता और हो सकता है थोड़ा डेंजरस, इसी वजह से स्टिक लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डॉग बहुत प्यारा लग रहा है, सभी लोग आके स्टिक ले रहे हैं एक लाइन से। तो सब लोग आ गए हैं, कैसा लग रहा है सबको? फुल एक्साइटेड है कि नहीं? बस हो जाए, तो बस सही है भाई, ऐसा जोश के साथ हम लोग को चलना है। पीछे पूरा सब आ रहा है एक लाइन से, देख सकते हैं आप रास्ता, ऐसा चढ़ाव वाला रास्ता है यहाँ पे, सही है। तो ये नज़ारा है अभी, फिर भी काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं हम लोग, अभी और चल रहे हैं ऊपर, बस चलते रहना है, थक जाए पूरा तभी रुकना है। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। इधर भैया अभी तो और ऊपर चढ़ना हम लोगों को, ये से रास्ता उधर जाता है आगे वाटरफॉल का। इधर भाई लोग भी चल रहे हैं साथ में, ये भाई हिमाचल से ही है, क्या नाम भैया आपका? अनीश। अनीश भैया, ये भाई है उत्तराखंड से, बहुत सही है, इनसे बातचीत करते करते चल रहे हैं ऊपर, ट्रैकिंग बहुत सही जा रहा है अभी फिलहाल। तो यहाँ पर है मेरे साथ प्रियांशु भाई और अनीश भाई,
तो काफी अच्छा लग रहा है, साथ में चल रहे हम लोग। कभी उत्तराखंड जाएंगे भैया, उत्तराखंड जाके दर्शन करेंगे अच्छे से। इधर मेरा दोस्त लोग सर, कैसा लग रहा है? चल रहा है, पसीना पसीना हो गया भाई तू। कर लेंगे खत्म, कर लेंगे खत्म। फिर से एक स्टॉप आ चुका है हम लोगों का। यहाँ पे सभी भाई लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि और सारे बंदे नीचे रह गए हैं ना, वो लोग भी आएंगे फिर साथ में और चलेंगे हम लोग ऊपर। अभी और ऊपर जाना है, बस यहाँ थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद और आगे निकलेंगे। जैकेट खोल दिए क्योंकि गर्मी लगने शुरू हो गया। ट्रैकिंग करते करते चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आप लोगों को। हम किसे पूछते हैं हाल चाल, जैसे मैं पूछूँ आपसे भाई छो, हाँ मतलब क्या, कैसे हो भाई, कहाँ के हो भाई, वो कहाँ के हो भाई? न्यू पहाड़ी छे, हाँ उत्तराखंड के छे। बढ़िया, ये पहाड़ी लैंग्वेज है भाई, पहली बार सुने पहाड़ी, वैसे सुने नहीं जल्दी। सही है, कुछ व्यू है इधर का। बहुत सही, सभी लोग आ रहे हैं उस रूट से, आप देख सकते हैं ये है ट्रैकिंग का एरिया। हम लोग भी चल रहे हैं, काफ़ी सही। यहाँ पे अभी है दोनों भाई मेरे साथ ही चल रहे हैं, अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो यहीं पे हम लोगों को थोड़ा मोड़ा बर्फ़ मिल चुका है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी और बढ़ गया हम लोगों का। ये देख सकते हैं आप, ये अभी ऐसा बर्फ है, काफ़ी सही है भाई। अभी और ऊपर जाना हम लोगों को, लगभग और 4-5 किलोमीटर है। कुछ कहना चाहते हैं आप? बैठे बैठे घर क्या कर रहे हो भाई, आओ पहाड़ों में घूमो। बस वो बात तो है भाई, अगर आप आते हो कभी हिमाचल तो ट्रैक जरूर करना। यस, काफ़ी एडवेंचरस है, काफ़ी मस्त है। ये आ गया हिरक व्यू, देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ दिखना शुरू हो गया हम लोगों को। ऐसा कुछ नज़ारा है इधर का, ये पूरा बर्फ ही बर्फ है भाई इधर। इधर सभी लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि और बंदे नीचे अभी आने वाले हैं। बस सब आएंगे फिर और अभी ऊपर जाना हम लोगों को 5 किलोमीटर लगभग। इधर लिखा हुआ आगे त्रिउंड, इधर आ रहे हैं सब, इधर बैठे हुए हैं, इधर चल चल के भी आ रहे हैं। बस हम निकलते हैं थोड़ी देर बाद रेस्ट करके यहाँ से। तो भाई आप ये व्यू देख सकते हैं, ये पूरा बर्फ ही बर्फ है। ये हम लोग चल रहे हैं अभी, आप ये देख सकते हैं स्नो मेरे साथ भाई लोग, और ये नज़ारे चल रहे हैं भाई, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी तो और ऊपर जाना, ऊपर तो बहुत काफ़ी ज़्यादा स्नो मिलने वाला है। फिलहाल ये है नज़ारा। मैंने स्टॉप लिए हैं थोड़ा नींबू पानी और पानी पीने के लिए नॉर्मल। ये नीचे देख सकते हैं आप नज़ारा, इधर भाई फ़ोटो ले रहे हैं डॉग के साथ, काफ़ी सही है भाई। इधर हिरक बैठा हुआ है भाई, कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है यहाँ से भाई। पहाड़ी सॉन्ग बजा रहे हैं एक नंबर, और सभी लोग आ रहे हैं अभी। ऐसा कुछ व्यू है फिलहाल इधर का, इसी रास्ते से अभी आए हैं, अभी और ऊपर जाना है। बस ये पीछे पूरा स्नो देख सकते हैं आप, बर्फ ही बर्फ है पूरा। अभी तो आधा आधा ट्रैक शायद हो चुका है या आधा से कम हुआ है, अभी तो और ऊपर जाना है इसी रूट से ही, पूरा बर्फ़ वाले रूट से। इधर भाई लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। पीछे हीरक आ रहा है, ये भैया भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। तो बस चलिए और ऊपर आगे मिलते हैं आप लोगों से। हम ऐसा व्यू है भाई इधर का, बैक से मेरे पीछे नहीं चलिए, व्यू भी दिखाइए। लोगों को उस स्टॉप पे जाना है वहाँ पे बिल्कुल। हाँ तो हम यहाँ पे रुके हुए थे, तो यहाँ पे एक मिले हैं। Where are you from? Hello, I am from Denmark. I'm from England. Oh, nice to meet you. What's your name? My name is Susanna. And you? I'm Sam. Oh, nice to meet you. Nice to meet How's you. How's this place? This is Himachal Pradesh. It's really beautiful. You came first time in India or? First time in India, yeah. Yeah, you visited the 28 states in India. Yes. We visited Delhi and now here. And then Rajasthan and Goa. Oh, nice, nice. This is our honeymoon. Oh, very nice. Happy journey. Thank you very much. You too. Namaste. Namaste. तो काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों से बात करके। यहाँ पे वेट कर रहे थे अभी भाई लोग, और आएंगे फिर आगे निकलेंगे हम लोग, क्योंकि अभी और ऊपर जाना है। तो ये भैया हैं, उनको लेकर के जा रहे हैं। भैया आप हिमाचल से ही हो ना? हाँ भैया, यही है उन लोग के गाइड, इनको आप वहाँ पूरा शेयर करा रहे हैं। और भैया कुछ बोलना चाहते हैं आप तो बोल सकते हैं। बस भाई अब बर्फ़ पड़ी, आप बताना सुबह जैसे नीचे। आज आज है 8 फरवरी, और आज इतना बर्फ है, वैसे कम है, कम है भाई। आप पिछले हफ्ते आते तो बहुत ज्यादा थी यार। और ऊपर कैसा अभी भाई? ऊपर आपके यहाँ यहाँ तक बर्फ होगी। दोनों भाई आपने अपना नाम बता दीजिए प्लीज। भाई मेरा नाम अनु है। और आपका भैया? आदित्य। कभी आप आते हैं तो चेहरा देख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश मिल जाएंगे भैया आपको गाइड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं ऊपर सीधा अभी, ठीक है? तो उधर से अभी धीरे धीरे सब आ रहे हैं। सुरभिदी आ रही, सुरभिदी हाय, कैसा लग रहा है ट्रैक करके? मजा आ रहा है ना? चलिए सही। और पीछे आ रहे हैं वो लोग ना? बढ़िया बढ़िया, इधर सब लोग हैं भाई, सब फुल मस्ती में एकदम। आप देख सकते हैं स्नो ही स्नो है। ये गया सुरभिदी के पास स्नो, ये कैच, नहीं नहीं सही है भाई, नॉटी कर गए।
इधर हिमाचली डांस चल रहा है, उत्तराखंड का डांस ना। कर भाई कर जल्दी कर, एक बार भाई हो जाए। हम लोग ट्रैकिंग करते करते डांस भी कर रहे हैं भाई, फुल मस्ती में भाई लोग के साथ। तो भाई मोहब्बत गई भाड़ में, चले पहाड़ में। यो वेलकम टू त्रियुन ट्रैक। ओहो इधर भी सवार है, फुल एक्साइटमेंट है भाई, भले ही बर्फी बर्फ है कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप देख सकते हैं इधर नजारा चारों बगल, और यहाँ पे देख सकते हैं बर्फ कितना ही ज्यादा है। ये देखना शूज पूरा अंदर ही चले जाएगा मेरा, अभी ये गया पूरा अंदर, ये गया। ओए तू बुक्स लेके आया है, फोटो बुक्स वाली बढ़िया बनेगी। ये बर्फ आप देख सकते हैं इधर, तो वेलकम टू हिमाचल। या एक नंबर इधर बहुत ज्यादा ही बर्फ आप देख सकते हैं, एकदम फ्रेश स्नो आई है। सब उधर जॉय है, अनुपम है और कोई कोई है। आजा आजा यहाँ पे है मेरे साथ भैया, आपका नाम? आकर्षक चौहान। आकर्षक भैया इधर हिमाचल से ही है भैया, हम लोग यहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे आधे रास्ते तक, फिर यहाँ से भैया निकल जाएंगे अपने सोलो ट्रिप पे। भैया काफी अच्छा लगा, फिर वापस जरूर मिलेंगे। जरूर जरूर, जब आओ बताना। सबके साथ वीडियो बन रहा है भाई, ठीक है भैया। लुक हियर वंस, 40 मिनट से वेट कर रहे हैं। आधा रास्ता हम कवर कर चुके हैं अभी, और अभी वो आधा रास्ता ऊपर जाना है भाई। कैसा लग रहा सबको? आधा रास्ता में बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है अभी, ऊपर और बढ़िया लगेगा। तो चलते हैं हम लोग पूरा जोश के साथ फिर से। चलिए यहां से अब निकल रहे हैं, अभी और आगे जाना है। आधा रास्ता भी हो चुका है, आधा रास्ता बचा हुआ है। देखते हैं बर्फ का ढेर। हैव अ सेफ जर्नी, बाय बाय। ये सभी भाई लोग अभी आए हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर कमिंग फ्रॉम? अमेरिका। ओ नाइस नाइस। तो ये सभी भाई लोग यूएसए से आए हुए हैं। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। या थैंक यू, हैप्पी जर्नी, बाय बाय। या सभी लोग अमेरिका से आए हुए थे भाई। ये सारा क्या मस्त लग रहा है देखने में। तो भाई यहाँ पे अभी हम ही तीनों हैं बस, सब लोग नीचे में हैं, और थोड़े अमेरिका वाले बंदे भी मिल गए थे, वो लोग से जा रहे थे नीचे। हम लोग बस चल रहे हैं इधर, ट्रैकिंग हो रहा है, मज़ा आ रहा है। तो यहाँ से त्रियुंड और बस 3 किलोमीटर, यहाँ पे देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है त्रियुंड 3 किलोमीटर। भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है, सही है भाई। तो भाई बस और 3 किलोमीटर ही बचा है त्रिवेंड, बस पहुंच जाएंगे टॉप पे हम लोग। अब व्यू देखिए एक बार, जन्नत ही जन्नत। और एक मिनट ये भी देख लीजिए, ये रहा ये भाई, ये खाली स्नो ही स्नो है और कुछ नहीं है इधर, सही है। चलिए फिर ऊपर मिलते हैं। सब कुछ है ट्रैक का रास्ता, ये पूरा चढ़ाव वाला रास्ता है, इसी रूट से जाना हम लोग को ऊपर। अभी ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है फिलहाल हम लोगों को, जन्नत भाई। ये जन्नत। रहा व्यू, अभी थोड़ा ही ऊपर बचा हुआ है फिर हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी सभी लोग नीचे आ रहे हैं, नीचे का थोड़ा दिखा देते हैं आप लोगों को हम यहाँ से। ये रहा पूरा नीचे का व्यू, सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। तो भाई फाइनली लगभग पहुंच चुके हैं, और बस 1 किलोमीटर रह गया होगा ऊपर। पीछे आप व्यू देख सकते हो कितना ही खूबसूरत लग रहा है। बस चलिए आप थोड़ी देर ही बाद ऊपर पहुंच जाएंगे हम लोग। चलिए ऐसा व्यू है भाई, चलते हैं ऊपर। अब इधर अथर अपने शूज से स्नो निकाल रहा है। यो गाइस, तो भाई अभी मस्त चश्मा वश्मा पहन लिए हैं, यही नज़ारा है इधर का। अभी हल्का ऊपर जाना है हम लोगों को, थोड़ा सा अभी और ऊपर जाना है। सभी लोग आ रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है, बस इन्जॉय हो रहा है त्रियुन ट्रैक में। सभी लोग आते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं ऊपर। यहाँ दोनों भाई लोग क्या कर रहे हो? थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं बस, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ही नीचे से हम लोग चल कर आए हैं। अभी फिर चलेंगे ऊपर, फिर सीधा ऊपर से दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल यहाँ से देखिए व्यू, व्यू हम लोग का चलने का। जन्नत भाई जान, सभी लोग आ रहे हैं जन्नत भाई। तो यही रूट है, अभी देख सकते हैं नीचे बर्फ ही बर्फ, काफ़ी ज़्यादा बर्फ है अभी, तो और मिलेगा ऊपर। कुछ दूरी ही है, पहुंचने ही वाले हैं बस। चलिए ऊपर, तो यही रूट है। तो भाई प्यास लग चुका है, पानी खत्म हो चुका है, कुछ नहीं करना है,
बस यहाँ से साफ साफ हल्का सा ऐसे बर्फ लेना है और थोड़ा सा मुंह में डालना है। वाह क्या बात, ये नजारा है, जन्नत है भाई। तो उधर सामने अर्नब ये लोग आ जाइए ऊपर। नॉन वेज भाई ये देख सकते हैं आप, ऊपर बहुत ज्यादा ही बर्फ है, बर्फ है, इतना ज्यादा ही बर्फ है। देखो ये देखो, ये देखो बर्फ, और जब देख लो भाई चारों बगल बर्फ ही बर्फ और कुछ नहीं है। काफी मजा आ रहा है, बस अब थोड़ा सा ही बचा हुआ। नीचे भी देख सकते हो पूरा पैर धस जा रहा है अंदर बर्फ में, कोई दिक्कत नहीं है, इंजॉय कर रहे हैं बस। चलिए ऊपर भाई, ये व्हाइट स्नो में ये ब्लैक स्नो शायद से सूट कर रहा होगा। सही है भाई, ये बर्फ ही बर्फ, इतना तो एक्सपीरियंस कभी ज़िंदगी में नहीं किए थे हम। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। वीडियो तो बहुत लंबा बन जा रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये इधर बर्फ ही बर्फ है भाई, मतलब सुकून है भाई, जैसे सुकून है। ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है, बस ऊपर जाएंगे, ऊपर बस पहुँच ही जाएंगे, यही है पूरा। इधर हम लोग को ऐसे इसी रास्ते से ऊपर वहाँ पे जाना है, तो बस और कुछ देर फिर सीधा ऊपर मिलेंगे आप लोगों से। भाई बस चारों बगल दिखा दो इधर एरिया फिर से, इधर मेरे को भी यो। आपको दिखाया झंडा वहाँ पे, फ्लैग बस वहीं पे है लास्ट, तो हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। अब बस सीधा के वहाँ पे पहुँच के सीधा आपसे मिलते हैं। ये आप देख सकते हो नज़ारा इधर का, मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल बादलों में है, थोड़ा सा ही बचा है, बस थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा पहुँचने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मेरे पीठ में बड़ा बैग आ गया था इसी वजह से, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं बस और पहुँच के मिलते हैं। यो तो भाई टॉप पे बिल्कुल पहुँच चुके हैं, ये कैसा नज़ारा है, ऐसा कुछ नज़ारा है इधर का, ये टॉप फॉर व्यू। इधर सब कोई आ चुके हैं, यश भी आए सबसे पहले इधर क्योंकि इधर फोटो बना रहे थे, उसके बाद से इधर अभी हम आए इधर और सब कोई आ रहा है। कैसा लगा ट्रैक करके? बहुत मज़ा आया, एक नंबर लगा, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो भाई सब लोग आ रहे हैं, बस थोड़ा रेस्ट करते हैं, यही पूरा ऊपर का व्यू। तो हम लोग दोपहर के 12 बजे शुरू किए थे ट्रैकिंग और हम लोग शाम के 5 बजे पहुंच चुके हैं। हम लोग नहीं, बस हम लोग बस चार लोग इधर जो दिख रहे हैं, बस फिलहाल हम ही लोग पहुंचे हैं। हाँ फिलहाल अपने पूरे बैच से, पूरे कॉलेज से फिलहाल हम लोग पाँच लोग इधर पहुँचे हुए हैं, बाकी सब आ रहे हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। बस भाई यही है नज़ारा और कुछ नहीं है, इधर खाली बर्फ ही बर्फ है। जल्दी पहुंच गए हैं इसलिए हम अमित भाई का हेल्प कर दे रहे हैं ये टेंट लगाने में, क्योंकि अभी बंदे लोग आ रहे हैं नीचे से, ये टेंट वगैरह सब है। भी पहले जा यहाँ पे भैया थोड़ा जगह बना रहे हैं टेंट लगाने के लिए। सही है, आप भी करोगे थोड़ी हेल्प तो मजा। हाँ हाँ दोनों साथ में करेंगे, आपको तो बोले ऐसे ऐसे थोड़ा लगा दे रहे हैं भाई। ये टेंट लगेगा यहाँ पे अभी, फिर सब पे रात में दरी सोएंगे। क्या बोले भैया? हाथों से क्या? ये नहीं भाई, हाथों से नहीं, पैर से होगा। शुरू हो रहा है, पूरा टेंट लग जाता है, फिर आपको दिखाते हैं। बस 3 2 1 में आपको टेंट लगा हुआ दिखेगा। तो ऐसा कुछ टेंट अभी तक लग चुका है, दो टेंट, इधर ही सोएंगे रात में। ये दो बंदों का टेंट लग चुका है, उधर भी टेंट वगैरह सब है, और इधर रहा ये टेंट। ये हमारा 100 रुपये का मैगी, ये भैया बना रहे हैं, अंडा भी 100 रुपये का। बन चुका है तो भैया, इधर नेटवर्क किधर आ रहा है? काफी प्यारा है, काफी सुंदर है, बस मस्ती कर रहे हैं हम दोनों भाई। कुछ ऐसा व्यू है बाहर का, मेरे टेंट के बाहर का, सामने सनसेट हो रहा है, काफी जबरदस्त लग रहा है। वो लाइव हो जाओ यार, मैं एक बार फोन कर लूं भाई। ये सनसेट का व्यू क्या देखने में मस्त लग रहा है। इधर हीरक मैट्रेस लेकर के आया है, इधर सामने सनसेट हो रहा है, ये रहा सनसेट हो रहा है इधर। तो ये हो रहा है, इधर सनसेट हो गया है, इधर देख सकते हैं आप, इधर दिखा, इधर दिखा। हाँ तो ये देख सकते हैं सनसेट हो चुका है पूरा अभी फिलहाल। हमें भी दिखाओ भाई, हमें भी दिखाओ भाई जी, हम मैं रह गया, मैं रह गया, मैं रह गया।
तो ये टेंट है अपना, इधर ही हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं, आज रात का स्टे इसी के अंदर होने वाला है। तो बस भाई ये नज़ारा है पीछे, हम और हीरक यहाँ पर खड़े हैं, इधर देख सकते हैं सनसेट हो चुका है फिलहाल। तो बस यही टेंट है पीछे अपना, इसी टेंट में रात गुजारना है। सवेरे यहाँ से निकल जाएंगे 7-8 बजे, तो बस रात में खाना पीना खाना है, थोड़ा मस्ती करना है और यहाँ से सवेरे कल निकलेंगे। पीछे देख सकते हैं आप पूरा व्यू, इधर का खाली स्नो ही स्नो है भाई और कुछ नहीं। भाई चश्मा वस्ता पहन के रेडी हो गया, इधर शाम का सनसेट भी हो चुका है फिलहाल, सभी लोग आ चुके हैं, सभी लोग आ भी चुके हैं। तो बस सही है, माहौल बहुत ज़बरदस्त है। इधर अनिश भाई है, इधर प्रियांशु भाई है, ये पूरा बर्फ का पहाड़ है। अब क्या ही चाहिए भाई, एक नंबर। इधर डॉगी सब दौड़ रहे हैं भाई, इधर का व्यू है एक नंबर, बहुत सही लग रहा है ये पूरा नज़ारा इधर का। बस यहाँ फोटो वोटो क्लिक कराते हैं फिलहाल, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा फिर कुछ दिखने नहीं वाला है, इसलिए थोड़ा फोटो क्लिक करा लेते हैं। सही है, ओए पावर बैंक ले और भी चाहिए तो आ जा भाई को, भाई पावर बैंक चाहिए मेरे को, कम में दे दे यार, पीछे पड़ा है। असर उन दोनों पूरा पैक हो चुके हैं, दोनों भूत बन गए हैं गाइस। अच्छा भाई मैं भी पैक हो रहा, इधर भी रमन भी पैक हो गया है, बढ़िया है भाई, मजा आया कि नहीं ट्रैकिंग करके। ये सारा रेंट दे सकते हैं, टेंट विद वॉशरूम 600 रुपये, टेंट विद 2 मील्स डिनर एंड ब्रेकफास्ट 800 रुपये, और फुल पैकेज है टेंट मील्स एंड वॉशरूम 1000 रुपये का। तो आप ये देख सकते हो, पॉज करके पढ़ लो, आ जाना कभी भी अगर आप आते हो इधर त्रिवेणी ट्रैक में। तो ये रहा पूरा यहाँ पे, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे में, आप आराम से कॉल करके इधर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सही है, अभी देवाशीष पहुंच गया है इधर और सब लोग आ रहे हैं। सही है, ये कुछ शाम का व्यू है भाई, ये लास्ट व्यू देख लीजिए आप, फिर कल सवेरे दिखेगा शाम का व्यू भाई। इधर टेंट के अंदर फिलहाल आपको दिखाते हैं बस बाहर का नज़ारा, इन 3, 2, 1 आप देखो बस बाहर का नज़ारा है, 1, 2, 3 अब ये दिखेगा आप लोगों को बाहर का नज़ारा, ये देखो जन्नत भाई, बिल्कुल जन्नत ही है ये, काफ़ी सही है। इधर है भाई दोनों, मस्त का ये व्यू है, सब लोग इसी टेंट में सोने वाले हैं रात भर, अब सवेरे मिलेंगे आप लोगों से भाई। ऐसा कुछ व्यू मिल रहा है रात का, अभी बज रहा है कितना, रात का बज रहा होगा अभी अप्रॉक्स, रात का 8 बज रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ट्राई करेंगे अगर हो सका तो आपको टेम्परेचर बताने का, हाँ जरूर बताएंगे। अभी राम भैया मेरे साथ है, रात का 8 बज रहा है भाई, सर्चिंग सर्चिंग, बस ये रात का 8 बज रहा है। ये देखिए सामने का व्यू, एक मिनट, ये देखिए इधर सब टेंट वगैरह में सबको लेटे, सिर्फ बर्फ ही है भाई, हम लोग बर्फ पे ही खड़े हैं, तभी से बर्फ बर्फ ही हो गया, नेटवर्क नहीं कोई दिक्कत नहीं है, रात का 8 बजे ये सीन है, बस जाके खाते पीते सोते। तो भाई खाना पीना चल रहा है आगे, उधर खाना पीना खा लिए, ये व्यू मस्त लग रहा है, बस जाके सोते हैं टेंट के अंदर। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये सारा ऐसा नज़ारा है कुछ, इधर भाई लोग भी उठ चुके हैं, भाई भाई क्या हाल है, और ये कुछ व्यू है बाहर का फिलहाल, सनराइज होने वाला है, ये आप देख सकते हैं सामने सनराइज हो रहा है भाई, लग रहा है बिल्कुल पहाड़ों के बीच से निकल रहा है सन, इसी के लिए इतना सवेरे उठ गए थे, नहीं उठने वाले थे, पूरा चमक रहा है।